अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही, आप भी दाढ़ी की ग्रोथ करना चाहते हो और आप क्रीम्स, कैप्सूल्स, मेडिसिन्स, बियरोल्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपने यूज कर लिए लेकिन फिर भी आपकी दाढ़ी ग्रोथ नहीं, तो आपको क्या लगाना चाहिए? आज मैं आपको इस वीडियो में क्रीम लगा के बताने वाला हूँ, कैसे लगाया जाता है, कौन सी क्रीम है, क्या तरीका होता है प्रॉपर, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखें, खुद आपको लाइव क्रीम लगा के बताने वाला हूँ। दाढ़ी को उगाने वाली क्रीम क्या होती है और कैसे लगाते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मिलेगी। अगर आप भी बहुत जल्दी दाढ़ी उगाना चाहते हो तो आपको कौन सी क्रीम लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, क्या तरीका होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में लगा के बताने वाला हूँ क्रीम को लगाने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप आपके फेस को वॉश करेंगे, तो मैं मेरे फेस को वॉश करने जा रहा हूँ, गोदरेज नंबर 1 शॉप है, इससे मैं अपने फेस को वॉश करके आऊँगा। बाद में मैं आपको क्रीम बताने वाला हूँ, मैं कौन सी क्रीम यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप मुझे फॉलो करते हो और आप यह जानना चाहते हो कि मैं कौन सी क्रीम लगाता हूँ दाढ़ी की ग्रोथ करने के लिए, पर दाढ़ी को उगाने के लिए क्या तरीका होता है, सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, स्किप ना करें, वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं अभी फेस वॉश करके आता हूँ। तो मैं गोदरेज नंबर 1 शॉप से फेस को वॉश करके आ गया हूँ। फेस को अच्छे से साफ करना है जिससे कि फेस पर कोई पानी ना रह जाए, ताकि जो आप क्रीम लगाते हो वो प्रॉपर आपके फेस पर आ जाए, ताकि जब आप गीले फेस पर क्रीम लगाते हो तो वो क्या थोड़ी सी पानी मिक्स हो जाती है, जो कि ज़्यादा असर नहीं करती है। तो आपको पहले तो ये कंफर्म करना है कि जो आपके फेस से जो पानी है वो पूरा निकल चुका है। तो मैंने अपने फेस से पूरा पानी को साफ कर लिया। बहुत से लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि सर जो आप क्रीम वगैरह बताते हो जो दाढ़ी को उगाने के लिए, वो आप खुद तो यूज़ ही नहीं करते हो, तो आप हमें यूज़ करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट भी बहुत सारी आ गए कि सर आप वो क्रीम लाइव लगा के बताओ। तो क्रीम कौन सी है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ये है पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम। इसको मैं फेस पर भी यूज़ करता हूँ, दाढ़ी पर भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं क्या मिला के लगाता हूँ वो थोड़ा सा आपको सस्पेंस रहेगा, आखिरी बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये लगा के बताऊँ, मैंने मेरा जो तरीका है ना वो मैंने काफ़ी दिनों से पहले फॉलो किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। जो आपके सामने दाढ़ी है ये मेरी ख़त्म होने वाली है, तो ये मैंने क्रीम निकाल लिया। मेरे सामने मिरर तो है नहीं, मैं सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन को देख के, कैमरे को देख कर ही मैं लगा रहा हूँ। तो मैंने पहले तो ये पूरे, पहले तो यहाँ पर फेस है आपकी, फेस की स्किन यहाँ पर आपको गोरा करना है, वहाँ पर आप उसको लगाएं। और बड़ी दाढ़ी का एक फ़ायदा ये होता है कि इस पर क्रीम्स बहुत कम लगती है, तो ये जो क्रीम अच्छी ना, इसको आप मूँछों पर और दाढ़ी पर आप इसको लगा सकते हो। ओनली ये पेंड्रम क्रीम है, पेंड्रम क्रीम है, इसको आपको दाढ़ी पे लगाना है। बाकी फिर जो सस्पेंस है वो है फेयर एंड लवली क्रीम। ये फेयर एंड लवली क्रीम फेस को बहुत जल्दी से गोरा कर देती है और जो आपकी दाढ़ी है उस पर ब्लैकनेस जल्दी ले आती है, यानी दाढ़ी वालों को काला जल्दी कर देती है। तो एक बार और कन्फर्म कर लें कि आपकी जो क्रीम है वो सूख चुकी है, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करना, 25-30 सेकेंड का आपको वेट करना है, फिर सेकेंड क्रीम जो फेयर एंड लवली है उसको आपको लगाना है। ये फेयर एंड लवली क्रीम है, ये इसको आपको फेस को जल्दी गोरा करना है, पिंपल्स को रिमूव करना है, वो आपको लगाना है। ये आपकी दाढ़ी के बालों पर शाइनिंग ले आएगी, आपके फेस पर शाइनिंग ले आएगी। तो ये लग चुकी, ये अब ये थोड़ी सी पतली पतली है, उसको दाढ़ी पर लगाना। ये तो दाढ़ी का ट्रीटमेंट हो गया। अब आपको अगर फेस को और जल्दी ब्राइट करना है तो आपको एक बार और फेयर लवली क्रीम लगाना है ये, लेकिन ये थोड़ी सी आधी मात्रा में, जो आपने पहले लगाई ना उससे भी कम में आपको लगाना है। तो ये हो गया, अब आपको लास्ट में दोबारा से पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम लगाना। ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, अगर आपने ये तरीका यूज़ कर लिया है तो आपकी बियर्ड भी ब्लैक हो जाएगी, आपका फेस भी गोरा हो जाएगा और आपके फेस पर शाइनिंग आ जाएगी और आपकी बियर्ड जो आपको देखने लायक है, जो आपका सपना है दाढ़ी उगाने का, वो आपका सपना पूरा जल्दी हो जाएगा। तो ये पेंड्रम है, इसको हम दोबारा से लगाएंगे ताकि जो फेयर एंड लवली क्रीम हमने लगाई है वो दब जाए अंदर। तो ये है और ये है, ये लग चुका है, आप मेरा फेस की स्किन देख रहे हैं, ये दाढ़ी पर भी हमने लगा ली। थोड़ी देर आप मसाज कर सकते हैं कि दाढ़ी बड़ी है तो दाढ़ी के अंदर बालों तक क्रीम पहुंच जाए। मेरा आपको यही सबसे बड़ी एडवाइस रहती है कि जो भी दाढ़ी उगाने के लिए ये क्रीम्स यूज़ कर रहा है उसको पहले पूरी दाढ़ी की सेविंग कर लेनी चाहिए, ताकि जो क्रीम्स मैं लगा रहा हूँ इतनी नहीं लगेगी, थोड़ी सी में आपका काम हो जाएगा, बट मेरी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है तो उस पर क्रीम्स भी ज़्यादा लगती है। तो आपने ये प्रोसेस देखी, अगर आप इसी प्रोसेस से बाल थोड़े से ख़राब हो गए, अरे यार
अगर आप इसी प्रोसेस से दाढ़ी पर पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम एंड फेरल अभी लगाते हो तो आपको दाढ़ी उगाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने आपको लाइव बताया लगा के, आइंदा आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन ना करें सर आप पहले लगा के बताएं बाद में आप हमें ट्रीटमेंट्स बताएं। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट्स भी बता दिया, लगा के भी बता दिया, दाढ़ी जो मेरे है वैसी आप उगा सकते हैं, मेरा फेस है वैसा फेस आपका गोरा कर सकते हैं। तो लगाने का तरीका पता चल गया। अगर हम दोनों की प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज़ में और 60-65 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये कम से कम एक महीने से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ओनली 165-170 रुपये खर्च करना है एक महीने में। तो आप इतना भी नहीं कर सकते हो कि आपकी दाढ़ी उगाने के लिए। ये ट्रीटमेंट्स दुनिया का नंबर वन ट्रीटमेंट्स होता है जो कि मैं 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।